अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अमेरिका लाइव व्लॉग्स। तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और सहरी का टाइम जो है वो हो गया, तो थोड़ी देर में जो है हम वो सहरी करने के लिए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या सहरी में क्या बना हुआ है। अच्छा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी क्लिक कीजिए, जिसमें आप ऑल का आइकन कवर करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आपको आपके पास का नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले, तो आप उसे देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं उनके साथ जो है मेरा चैनल शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देख सकें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो में। चलिए, अब थोड़ी देर में जो है मैं आपको सहरी का दिखाता हूँ। हेलो, तो ये आज की आ गई हमारी सहरी। सहरी में है एक पराठा है, चाय का कप है, अंडा है और ये है अचार गोश का सालन है। ये मुझे कल खाला ने खाला के घर से लेके आए थे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये बना है, तो मैंने सोचा कि इसको जो है मैं सहरी में खाऊंगा और बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी है और बहुत लजीज है। और ये चाय एक और पड़ी हुई है और अभी हम बैठेंगे और जो है हम अपनी सहरी करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले सहरी कर लें। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सहरी। ये हमने पराठा लिया, गरम गरम पराठा है ये, और सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये अचार गोश्त का सालन। ये अचार गोश्त आ गया, इसके साथ ये थोड़ी सी अदरक है, ये इसके ऊपर रखी और बहुत लजीज है, बहुत शानदार बना हुआ, अमेजिंग, आई लव इट। इसी चीज़ को मैंने बचा के रखा हुआ था सहरी के लिए, वरना मैं कल ही खा जाता। तो एक बाइट और लेते हैं इसकी, उसके बाद जो है ये हमारा अंडा, इसके ऊपर जो है हम ये काली मिर्च डालते हैं थोड़ी सी, काली मिर्च डाली है। अब इसके ऊपर जो है नमक डालेंगे थोड़ा सा और ये हमारा अंडा हो गया। अंडा तो मस्त होता है, अंडा तो नाश्ते में चाहिए ही चाहिए, कभी बॉयल होता है, कभी इस तरह फ्राई किया होता है। ठीक है, और साथ में एक चाय का कप। चाय वैसे मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ, खाली एक ही टाइम सुबह के टाइम पे पीता हूँ, बाकी दिन में चाय नहीं भी मिला तो कोई मसला नहीं होता, मुझे चाय का इतना शौकीन नहीं हूँ, मिल गई तो पी लेता, नहीं मिली तो नहीं पीता, अक्सर नहीं पीता, खाली जो है वो सुबह के टाइम जो चाय पीता हूँ बस वही पीता हूँ। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर हुई है, मैं सो के उठा हूँ और उसके बाद नहाया, फ्रेश हुआ और फिर नमाज़ पढ़ी और अभी बस आपके साथ हूँ। अच्छा, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज जो है वेदर चेक करें आप, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्का हल्का ठंडा मौसम है, बहुत खुशगवार मौसम है और मज़ा आ रहा है, चेक करें आप। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आया हूँ हारून पे 8000 ब्लॉक पे और यहाँ पर जो है बहुत सारे होल सेलर होते हैं, लाइक सेल फोन का है, परफ्यूम की शॉप्स हैं होल सेल और स्मोक शॉप्स हैं, मतलब हर किस्म की जो है नोवल्टीज़ का है, ज्वेलरी का है, सब किस्म का जो है ना यहाँ पे होल सेल का आपको सामान मिलता है। मैं आया हूँ प्राइम कॉर्नर के अंदर और मुझे मिलना है साबर अंकल से, तो मैंने बोला मैं उनको भी दिखा दूँ, लाइक इस तरह का यहाँ पे होता है
और सारा होलसेल है, ये सब होलसेल यहाँ से माल पूरे टेक्सास में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ सप्लाई किया जाता है। तो ये पूरे यूएस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जगह पे। अच्छा, तो अभी हम लोग हार्विन से निकल चुके हैं और जो है साबर भाई के पास में गया हुआ था तो उनसे मुलाकात की। तो अभी जो है हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो इस टाइम जो है मौसम जो है बारिश नहीं हो रही, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं और बारिश के बाद जो थोड़ा गर्मी का मौसम होता है ना, तो उस तरह का वेदर बना हुआ है आज। तो अभी जो है थोड़ी थोड़ी मुझे प्यास फील हो रही है। अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं, तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक रोज़ा नहीं खुला। तो अभी मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ और अभी थोड़ा शाम का टाइम है तो थोड़ी बहुत जो है रोड के ऊपर ट्रैफिक भी है, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा टाइम लगता है घर पहुँचने में। अगर नॉर्मली आपको 20 मिनट लगते हैं तो ट्रैफिक में आपको 30 मिनट भी लग सकते हैं, 40 मिनट भी लग सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। तो अभी हम लोग सिग्नल लाइट के ऊपर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि सिग्नल लाइट ग्रीन हो और जो है हमारी गाड़ी चलना शुरू हो जाए। देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है और ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो है पत्थर मिट्टी इस किस्म की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर जगह जो है वहाँ ग्रास लगा होता है। और ये यहाँ पे आ गया, अब ये आ जाएगा जॉन्स हलाल, तो ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है और अक्सर जो है मैं यहाँ से जो है राइस इनके बहुत अच्छे होते हैं तो अक्सर मैं यहाँ से खाता रहता हूँ। लेकिन अभी रोज़े की हालत में है तो अभी तो मैं कुछ खा नहीं सकता, तो इसलिए इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे, फूड टूर भी कराएंगे मुख्तलिफ प्लेसेस का। तो ये काफ़ी जो है बिजी एरिया है और यहाँ पे काफ़ी किस्म के फूड रेस्टोरेंट और हर तरह की जो है वो चीज़ें हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पता होगा कि इस टाइम जो है गैस की प्राइस जो है काफ़ी हाई है, जो है काफ़ी महंगी है। इस टाइम जो है बिजली है काफ़ी प्राइस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ की प्राइस में जो है वो इजाफा हो चुका है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा कि जो है यहाँ पे कैसे पेट्रोल पम्प के ऊपर आप जो है गैस स्टेशन के ऊपर जो है आप जो है वो फ्यूल डलवाते हैं, कुछ भी होता है। तो पूरे ऊपर मैं डिटेल के ऊपर आपको एक वीडियो बना के इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे ट्रैफिक का जो है वो तो फ्रीवे के ऊपर बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, तो बिजी टाइम होता है क्योंकि सब लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है इस टाइम पर आपको हमेशा जो है आपको इस टाइम पर जो है ट्रैफिक मिलेगा और जो है स्लो स्लो गाड़ियाँ चलती हैं। इसके ऊपर ये है कि ये फ्रीवे कहलाता है कि जैसे ये हाईवे है, पाकिस्तान वाले अगर देख रहे हैं तो फ्रीवे को हाईवे जैसे होता है। मैं जहाँ पे स्पीड जो हमारी यहाँ की स्पीड होती है इसके ऊपर 60 mph होती है और जो है जो नॉर्मल स्पीड है, अगर आप किलोमीटर में इसको करें तो 100 किलोमीटर की लिमिट होती है नॉर्मली। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ 100 किलोमीटर पाकिस्तान के हिसाब से होगी और यहाँ पे 60 mph हो गया, तो उस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे आप रश के एरिया से निकलते हैं या बिजी के एरिया से आप बाहर निकलते हैं तो वो स्पीड जो है 75 और 70 mph, 65 mph, तो इस तरीके से वो स्पीड बढ़ती जाती है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 75 to 80 होती है मैक्सिमम जो हाईवे के ऊपर जो फ्रीवे होते हैं जब आप शहर से बाहर निकल जाते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस रोड के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो चलें आपको ये दिखाना था मैंने, तो इंशाल्लाह देखते रहें मेरी वीडियो आगे आगे।
अभी हम लोग घर आ चुके हैं और जन्नत भी जो है वो घर आ चुकी है। और जन्नत हाई करो, हाई करो, जिंदे करो, हाई करो। और ये हमने ऑर्डर किया था कल, मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया था सुहान के लिए, तो ये सरप्राइज हो गया कि आज एक दिन के अंदर हमें डिलीवर हो गया। तो अब इसको ओपन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो ये देखें आप, ये है वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। नो जन्नत का नहीं है, ये किसका है, ये किसका है, किसके लिए? सोहान के लिए। चलो इसको हमने ओपन किया और आपको दिखाते हैं। ये तो क्या बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये इसका ट्राउजर आ गया, ठीक है, और ये उसकी कैप है। तो ये तकरीबन हमें कितने का पड़ा था, 35 डॉलर, 32 डॉलर, 22। ओके, तो ये हमें नाज़रीन पड़ा था, टोटल 22 डॉलर का पड़ा था इसके शिपिंग के साथ। तो ये है इसके कपड़े हैं, ये आ गया और ये इसकी कैप आ गई। तो ये तीन चीज़ें हैं बनकर। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है अमेरिका लाइफ व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।